हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम किचन में हाइजीन मेंटेन की बात करेंगे। कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां हम ध्यान ही नहीं देते हैं, तो उनको मेंटेन करना, हाइजीन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। घर को साफ़ रखने के लिए हम कई तरह के नुस्खे अपनाते रहते हैं, लेकिन जब बात किचन में जमी जितनी चिकनाई और गंदगी को साफ करने की आती है, तो मेरे तो सच्ची पसीने ही छूट जाते हैं। लेकिन अब इस DIY के साथ मुझे क्लीनिंग करने में मज़ा आता है। क्या आप भी चाहेंगे कि झटपट से तेल के दाग चुटकियों में गायब हो जाएं? तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर आपने वीडियो को पूरा देखेंगे तो पक्का यहाँ से मोटिवेट होकर ही जाएंगे। तो इस दिवाली सफाई करना हुआ बहुत आसान। चलिए फिर, कई बार क्या होता है, हम रात के अपने बर्तन सिंक में ही छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सिंक को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। ये मैंने एक DIY बनाया जिसकी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। इसको मैंने स्प्रे करके अच्छे से 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया है। बाकी मैंने साइड में अपने 2-3 मिनट जो छोड़ा उसको कुछ और काम कर लिया अपना। उसके बाद कोई भी पुराना स्क्रबर लेके उसे अच्छे से साफ़ कर लिया और फिर पानी से धो लिया है। देखिए, बिल्कुल हाइजीन मेंटेन रहती है, कोई भी कॉकरोचेस वगैरह आपके किचन में नहीं आते हैं। सिंक एकदम रात को क्लीन करके ही सोना चाहिए हमें। सिंक अच्छे से साफ करने के बाद मैंने माइक्रोफाइबर क्लोथ से एक बार अच्छे से पोंछ दिया है। जब हम सुबह उठते हैं और सिंक इस तरह से क्लीन देखते हैं, बहुत ही पॉजिटिविटी भी आती है। सिंक एकदम साफ हो गया है, क्लीन हो गया है। हम जिसमें भी अपने बर्तन धो के रखते हैं, आप देखेंगे उसमें कई तरह के स्टेन लग जाते हैं, बर्तनों के दाग लग जाते हैं, तो इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी दाग लगे हुए हैं इसके अंदर। तो ये पेपर DIY है, इसको मैं पहले स्प्रे कर लूँगी और 2-3 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी। और मैंने स्क्रबर, पुराने स्क्रबर को फेंकती नहीं हूँ, उसको इन्हीं क्लीनिंग के लिए संभाल के रखती हूँ। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से स्प्रे कर लिया आगे पीछे। आपके पास भी ऐसे कई बकेट्स होंगे जिसमें आप बर्तन को वॉश करके रखते होंगे, उसको हमें क्लीन करना चाहिए। इस तरह से मैंने स्प्रे कर लिया और मैं स्कॉच ब्राइट की मदद से इसे अच्छे से रब कर लूँगी। अगर आपकी बहुत पतली जाली हो, कॉर्नर हो, तो आप कोई पुराने ब्रश से भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। देखिए, अच्छे से मैंने कर लिया है। अब मैं इसे साफ पानी से धो लूंगी। मैं पानी से इसे अच्छे से धो लूंगी और देखिए, एकदम शाइन कर रही है, एकदम क्लीन हो गई है, कोई भी स्टेन नहीं है। इस DIY को बनाना कैसे वो देख लेते हैं। मैंने विनेगर लिया है और एक खाली स्प्रे की बॉटल लिया है। कई बार हमारे मेकअप में टोनर वगैरह की बॉटल खाली हो जाती है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी टोनर की बॉटल का यूज़ किया है, इसको वॉश करके अच्छे से सुखा लिया है। 1/4 बॉटल मैंने विनेगर की भर लिया है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर विम लिक्विड डालूंगी, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। विनेगर एक क्लिंजर की तरह काम करता है, नेचुरल क्लिंजर है। बाकी इसको इसमें नॉर्मल पानी डाल के भर लूँगी। ये हमारा DIY बेस्ट क्लिंजर तैयार हो जाता है, बहुत ही अच्छा है। किचन में तेल के दाग
सब्जी के दाग सब बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। हमारी सफाई बहुत ही आसान हो जाती है इस DIY से। देखिए, हम लोग डस्टबिन पे भी ध्यान नहीं देते हैं, किचन में जो डस्टबिन होते हैं हम उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम इसमें पॉलीबैग लगाते हैं और बहुत ही गंदा हो जाता है नीचे, जैसे पत्ती है और सब्जियों के हम जो छिलके रखते हैं उसमें से थोड़ा सा पानी निकलता है, तो डस्टबिन बहुत स्मेल करता है थोड़े दिनों में ही। तो इस DIY से आपका डस्टबिन बिल्कुल भी स्मेल नहीं करेगा और हमेशा क्लीन रहेगा। मैंने DIY को स्प्रे कर लिया है, इसी क्लिनजर को स्प्रे कर लिया है अच्छे से, और इसको एक स्कॉच ब्राइट की मदद से अच्छे से साफ कर लिया है। एकदम मेरा डस्टबिन शाइन भी करता है और बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं करता है। अब देखिए, बस पानी से इसे वॉश कर लिया, कितना इजी है। इस क्लिनजर से बहुत टाइम भी नहीं लगता है, क्लीनिंग करने में बहुत आसान हो जाती है आपकी क्लीनिंग। कई बार कोई समान चीज़ या किसी भी चीज़ की नॉलेज तो हमें होती है, लेकिन उसे यूज़ कैसे करना है वो नहीं पता होता। तो आज मैं आपके लिए वही कुछ लेके आई हूँ कि हमें अपने किचन में किस किस चीज़ों को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। एक स्टेप ये भी है, हम बर्तन तो मांजते हैं, चलिए अब सिंक भी साफ़ हो गया, बर्तन भी साफ़ हो गए, लेकिन आप जानते हैं जिससे हम ये बर्तन मांजते हैं ये स्कॉच ब्राइट कितना गंदा हो जाता है। अगर आपके घर में छोटे हैं बड़े हैं तो आपको हाइजीन का बहुत ही ध्यान रखना होता है। आपको ये स्कॉच ब्राइट हफ्ते में एक बार, 3 to 4 days में एक बार क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, इसमें बहुत ही गंदगी हो जाती है। मैंने गर्म पानी लिया है, एकदम बॉयल गर्म पानी आपको लेना है, उसमें 1 to 1.5 चम्मच ये DIY को डाल के इसको 5-10 मिनट के लिए डिप करके छोड़ दीजिए बस। उसके बाद साफ़ पानी से धो के देखिए मैंने कितने अच्छे से यहाँ लगा दिया है, और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, आप इसको ज़रूर करिएगा। अब देखिए, ये कैबिनेट मेरा बिल्कुल तेल से, मैंने इसको कई दिन से साफ़ नहीं किया है क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, आपको दिखाना है कि कितना झटपट से मैं इसे क्लीन कर दूँगी। ये तेल के दाग और स्टीम से सब्जी जब हम खाना बनाते हैं तो स्टीम से बहुत गंदा हो जाता है। चलिए अब मैं फटाफट से इस सामान को हटा लेती हूँ और दिखाती हूँ कि झटपट से साफ़ हो जाता है। बस इसे DIY का प्रयोग करके देखिए ऊपर भी कितनी चिकनाई है, और देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और झटपट से सफाई आपकी हो जाएगी। मैंने फटाफट से इसे स्प्रे कर लिया है। थोड़ा सा काउंटर टॉप पे भी डाल दिया है। देखिए सिर्फ 2 मिनट रखना है आपको, और देखिए बस एक बार स्कॉच ब्राइट लगाया और एकदम क्लीन हो गया है। आप भी ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। अगर आपके कैबिनेट में कोने हैं तो आप एक ब्रश की हेल्प ले सकते हैं, कोई भी पुराना ब्रश का यूज़ करके आप उसे क्लीन अच्छे से कर सकते हैं। देखिए ये स्कॉच ब्राइट मैंने अच्छे से सारे में लगा लिया है और बहुत ही झटपट से क्लीनिंग हो जाती है। कि कितनी जल्दी से सफाई हो रही है।
बस एक कपड़े की सहायता से मैं अच्छे से इसको क्लीन कर दूँगी। देखिए एकदम क्लीन हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी, इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी जो आपकी बहुत ही हेल्पफुल होंगी। कि कितनी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है और बहुत ही कम टाइम में। ये टाइल्स भी अच्छे से क्लीन हो गया है और कैबिनेट में देखिए बिल्कुल शाइन कर रहा है। अब मैं फटाफट से सामान को रख देती हूँ, अब ये सामान भी रखा हुआ और अच्छा लगेगा। हम लेडीज़ का ज़्यादा टाइम तो किचन में ही बीतता है, तो किचन तो क्लीन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप भी थोड़ा सा मोटिवेट होइएगा और आप भी करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये DIY आपके लिए कितना काम किया है। कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर मिलूँगी। जब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा।